जाएंगे तो वो परेशान हो जाएंगे डायरेक्टर सर ने तो यही कहा है लेकिन उनके लिए हमें रिटायरमेंट सेरेमनी तो रखनी होगी ना मैं अपने काम में नाकाम रहा इसलिए जा रहा हूँ सेरेमनी की कोई जरूरत नहीं है क्या तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है हाँ चलो सब मिलके खाना खाते हैं मैं एक फोन कॉल करके आती हूँ क्या चाहिए मुनियांग I'm really sorry. मेरी एक मदद कर सकती हो सॉरी नहीं कर सकती मेरी मॉम बीमार है वो आज काम पर नहीं आई क्योंकि वो बहुत बीमार है मैंने उन्हें फोन किया तो उनकी आवाज भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे उनकी फिक्र हो रही है सैंगन और सॉन्ग जे सेमिनार में हैं तो मैं उनसे नहीं बोल सकती और आज मेरी भी नाइट शिफ्ट है तो जाओ जाकर ग्यांग जी से बात करो आई एम रियली सॉरी पर तुम उन्हें देखने जाओगी वैसे तो बूढ़ी हो गई हैं पर फिर भी एक औरत के साथ उन्हें बेहतर लगेगा मेरी मदद करोगी नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी माँ के पास क्यों जाऊं <laughs> 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 अरे तुम आ गए मुझे लगा आप बीमार हैं पर आपकी हालत तो मुझसे भी अच्छी है अरे उम्र ही ऐसी है हमेशा बीमार रहती हूँ कभी घुटने दुखते हैं हमेशा जोड़ों में दर्द रहता है रात में ठीक से नींद नहीं आती अरे वो साली झूठ बोलती है मुझसे कुतिया मेरी प्यारी बेटी को गाली मत दो आओ और खाना खा लो सुना तुमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया मैंने चावल नहीं बनाया चावल का सूप बनाया है ये लो बैठ जाओ ना अब जिद छोड़ दो और बैठ के खाना खा लो चलो भूख तो लगी होगी तुम तो यह बात जानती भी नहीं कि तुम्हें खिलाने के लिए कितने सारे लोगों ने मेहनत की है